यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हादौड़ी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में जाट नेताओं ने कहा कि 2 जून को रणनीति तैयार करके बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है और कहा कि 2 जून को जसिया में बड़ा निर्णय लेकर खापो और समाज के लोगों को एकजुट कर आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। जाट नेताओं का साफ कहना है कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जाट समाज से धोखा किया है, इसलिए अब सरकार पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। मीटिंग में शोरान खाप 25 के प्रधान विजेंद्र बेरला ने कहा कि जाट समाज को उसका हक दिलाने के लिए खापे भी एकजुट हो रही हैं। सभी खापों को एक मंच पर लाकर जाट समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो 2 तारीख को सरकार वहाँ जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा एक ठोस फैसले लिए जाएंगे ताकि सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। जो सरकार हर बार धोखा समाज के साथ कर रही है, इस धोखे को अब समाज सहन नहीं करेगा, क्योंकि एक बार नहीं, ये धोखे 3-4 बार हो चुके हैं। आखिर विश्वास कब तक हो, लेकिन हम अब सरकार पर विश्वास, इस सरकार का हमें विश्वास नहीं है कि ये हमारा काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन 2 जून को जो निर्णय होगा, उस निर्णय के लिए पूरा समाज, पूरी खापे सभी एकजुट होकर सब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी इस जाट समाज की। इसमें सभी खापों का समर्थन साथ है और भविष्य में समर्थन जारी रहेगा। अगर सरकार समय रहते हुए नहीं मानी तो सभी खापे आंदोलन में शरीक होंगी और बड़े बड़ा आंदोलन भविष्य में हो सकता है।